जयसुख पटेल की जामीन अर्जी पर गुजरात हाईकोर्ट में सुनावणी अने मोरबी झूलता पुल दुर्घटना आरोपी जयसुख पटेले जामीन अर्जी करी। सरकारी वकीले जामीन माटे पोतानुं समर्थन दर्शाव्यु। जयसुख पटेल नासी छूटे एवा आरोपी नथी। सरकारी वकीले कहूं अने कहूं के जयसुख पटेले जामीन मळे तेमां सरकार ने कोई वांधो नथी। तो चार्ज फ्रेम में लांबो समय लागे तेम छे अने केस में घणा बधा साक्षीओ होवाने कारणे समय लागे एम छे। त्यारे जेल में रहेवाथी जयसुख पटेलना उद्योगों पर असर पड़ी शके छे, तो आ प्रकारनुं कहेवामां आव्युं। तो सरकारी वकीलनुं जामीन अर्जीने समर्थन अने केस में घणा बधा साक्षीओ होवाने कारणे समय लागे एम छे एवुं सरकारी वकीले हाईकोर्ट में कह्युं। गुजरात हाईकोर्ट में सुनावणी अने जयसुख पटेल ने जामीन मळे तेमां सरकार ने वांधो नथी तेवुं सरकारी वकीले कह्युं। आज मुद्दे संवाददाता अनिता पटेल फोन लाइन पर। अनिता, जयसुख पटेल की जामीन अर्जी पर हाईकोर्ट में सुनावणी, महत्वनी बात यह है कि सरकारी वकीले जामीन माटे पोतानु समर्थन आप्यु छे। अनिता जी, बिल्कुल। जे प्रकारे आज मोरबी झूलता पुल दुर्घटना ने लईने जयसुख पटेल ना त्यां समय थी जामीन अर्जी ने लईने सुनावणी हाजरवामां आवी छे। हाईकोर्ट में पण सुनावणी चाली रही छे, त्यारे सरकारी वकील नु समर्थन अत्यारे हाल जे सामने आवी रह्युं छे। सरकारी वकीले जामीन ने लईने जे कोर्ट में रजू करी छे के जयसुख पटेल जे छूटे तो तेना पर कई लांबो समय चार्ज फ्रेमना समय लागशे, तेना कारणे तेने पोते समर्थन आप्युं होय तेवी वात छे। અને જેલમાં રહેવાથી જયસુખ પટેલના ઉદ્યોગ ઉપર પણ અસર પડે છે તેવું પણ સરકારી વકીલનું કહેવું છે। તો જે પ્રકારે છેલ્લા ઘણા સમયથી જયસુખ પટેલને જામીનને લઈને આજે હેરાનગતિ થઈ રહી છે અને સેશન કોર્ટ બાદ અત્યારે હાઈકોર્ટમાં જ્યારે જામીનને લઈને સુનાવણી હાથ ધરવામાં આવી રહી છે, તો સરકારી વકીલ દ્વારા જે સમર્થન આપવામાં આવ્યું છે તેને લઈને આગામી સમયમાં જે જયસુખ પટેલને જામીનને લઈને જે મહત્વનો નિર્ણય આવે તેવી પણ શક્યતા છે। હાલ તો સરકારી વકીલે જે ઉદ્યોગો પર અસર થવાના કારણે અનેક जे बिल्कुल अनिता, समग्र माहिती साथे जोड़ा बदल आपनो आभार।